जब आप रिटायर हो गए मिले सोने की बाली बना। नाना जी ऐसा कूटेंगे ना वहीं से। 4 से 5 दिनों के बाद आज ऐसा दिन आया है, मतलब जब हमें हॉस्पिटल नहीं जाना है, तो आज थोड़ा सा रिलैक्स होकर उठी हूँ। तो शुरू कर लेते हैं आज का ब्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा माई के एक नए दिन नए ब्लॉग में। उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे, हम लोग भी थोड़ा सा बेटर, क्योंकि ठीक तो नहीं कह सकते और मस्त तो बिल्कुल भी नहीं। तो कल जो कि मैंने आपको दिखाया था हाथों का सूजन वगैरह और जो मेरे हाथ पूरे ब्लू पड़ गए थे वेंस वगैरह, तो वो अभी तक कम नहीं हुआ है, तो इस वजह से मैं कुछ कर नहीं सकती। बट हाँ, इतने दिनों में आज थोड़ा बहुत मैंने नहाया धोया है और थोड़ा सा कपड़े चेंज करे, क्योंकि कपड़े भी वही थे 3-4 दिनों से। तो काम वगैरह मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सो सारा काम माई को ही करना पड़ रहा है। रोटी वोटी सब कुछ वही बना रहे हैं। मैं तो हाथों से ये स्टैंड भी पकड़ लूँ ना, मोबाइल पकड़ लूँ, वही बहुत बड़ी बात हो रही है मेरे लिए अभी। तो स्नेहा के हाथों में तो काफ़ी दर्द है, इतने सारे बर्तन धोने हैं। देखो मैंने गर्म पानी से धोऊंगा। तो पहले माई ने सुबह सुबह पूरा रूम वगैरह क्लीन कर दिया, क्योंकि पूरा मेस पड़ा हुआ था। और अभी इनका बन रहा है रोटी वगैरह शायद, क्योंकि आटा तो गूंथ चुके हैं। ये देखो रोटी नहीं, आज मैं पराठे बना रहा हूँ। पराठे बना रहे हो? आलू मैंने मैश किया हुआ है, इसमें अभी सब कुछ मिक्स करना है। पहले मैं इसके रोटियां बेल ले रहा हूँ ना, फिर ये बनाते टाइम बहुत ज्यादा मतलब हो जाता है रस टाइप का। अच्छा, ये देखो इतनी सारी रोटियां बेल चुके हैं, इनको सब आता है। भाई मैं बोल रही थी रोटी बेलनी नहीं आती है, तो रोटी भी बेल रहे हैं। और इन्होंने खाने में इनवाइट किया मनीष को भी, तो अपने बलबूते पे खाना पीना बना रहे हो। वेल डन, मेरा तो हाथ भी सूज रखा है। सो ये बन गए मेरे गर्मा गर्म पराठे, और पराठों के साथ सब्जी तो नहीं बना पाया मैं, लेकिन ये मैंने भांग की चटनी बनाई है और कुछ मक्खन। सो नाश्ता वास्ता होने के बाद मेरे धुल गए हैं कपड़े, और स्नेहा यहाँ छत में आराम से सो रखी है। आराम से तो क्या सो रखी है, बेचारी के हाथों में काफ़ी दर्द है आज। अब छत में आए हैं तो मौसम ज़रूर दिखाएंगे, एकदम मस्त वाली धूप आ गई है। तो दोपहर के 12 बज गए हैं, अब जाके फ्री हुआ हूँ। सुबह स्टार्ट हो गया था, मैं झाड़ू पोछा बर्तन नाश्ता, उसके बाद कपड़े धो दिए, और अभी नहा धो के बिल्कुल फ्रेश। और थोड़ी देर पहले ही दीदी का फ़ोन आया है, तो दीदी लोग आने वाले हैं आज, तो वहाँ भी जाना है। तो स्नेहा ऊपर छत में सोई है, उसको भी उठा लेते हैं और चलते हैं दीदी लोग के यहाँ। आज काफ़ी दिनों के बाद दीदी लोग से पीयूष लोग से मिलेंगे, तो चलते हैं अभी। और आज लग रहा है खाना पीना भी वहीं होगा। तो हम लोग आ गए हैं दीदी लोग के यहाँ, स्नेहा लगा रही है झाड़ू वगैरह। और जैसे ही रूम में पहुँचे ना, मनीष तो सो रखा था, अभी तुरंत भागा है इतने दिनों का अपना कूड़ा उड़ा पकड़ के फेंकने गया हुआ है, क्योंकि दीदी लोग आ रहे हैं। थोड़ा सा स्नेहा भी साफ सूख कर दे रही है, और घर से कुछ सामान वामान भी आया होगा, थोड़ी देर में वो लेने जाना पड़ेगा रोड तक। तो मनीष भी है, मैं भी हूँ, फटाफट आ जाएगा सामान भी। लग गया तेरा झाड़ू? थोड़ा थोड़ा लगा दिया ऐसे टेम्पररी, मनीष ने जैसा, वैसे गंदा नहीं किया था मनीष ने, बट थोड़ा बहुत झाड़ू वाड़ू लगा दिया है। कूड़ा डालने चले गया, अभी सुबह 8 बजे से कॉल कर रहे हैं उसको, घोड़े बेच के सो रखे हैं अभी, दरवाजे वराजे पूरे बंद, खट 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 बाहर से, बड़ी मुश्किल से उठ के बोल रहे हैं मैंने मौसा जी के इसको कॉल किया था ऐसे बोल रहा है अभी। और क्या कहते हैं, अब कैसा फील कर रही है फिर तू? अभी तो मैं अच्छा फील कर रही हूँ, वो तो लग ही रहा होगा सबको अच्छा फील कर रही है देखने से भी, है ना। एक तो दीदी आ रही है ना घर से, अच्छा फील किया अगर खाली मूड खराब करे रखती है ऑल टाइम, अपना भी मेरा भी। आप करे रखते हो मेरा मूड खराब। ये देखो फाइनली कौन आया है इतने दिनों के बाद घर से। जीते रहो, कैसे हो, कैसा रहा घर का वेकेशन? अच्छा रहा। क्या खाया पिया? ये राखी मैडम, जीते रहना जीते रहना, ठीक है। ये लगा दी मैंने गाड़ी, ये कौन लेके आ रहा है देखो, कट्टा। क्या लेके आ रहे हो रे? पता नहीं क्या है। क्या है इसमें? आटा वाटा कुछ। अभी दो लोग पीछे हैं, दिखाती हूँ जूम करके। ये आगे वाला मनीष,
पीछे वाली दीदी। आज फिर से आ गए हैं घर से माल्टा किन्नू, तो पार्टी चल रही है, खाली है, जब जब खत्म हो गया तब याद आई मुझे। इसका टकला दिखाया है, दे दिखा रहे टकला दिखा, ये नया नया जनेऊ वाला है, ये देखो क्या 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 किया जनेऊ में बताना, पहले बता तो सही जनेऊ में क्या क्या किया। एक तो सर मुड़वाया तेरा, और कान, कान छेदे, और कुछ जनेऊ नहीं पहना, दिखा जनेऊ। वाह, इसका कैसे यूज करते हैं पता है, कैसे करते हैं, जब बाथरूम जाते हैं कान में डाल के। कान में कितने बार डालते हैं? तीन बार हाँ। और कुछ मंत्र भी बोलते हैं क्या? हाँ। क्या बोलते हैं? हाँ। कुछ नहीं बोलते हैं। खाना खाते टाइम बोलते हैं क्या? मंत्र। कौन सा मंत्र? कुछ नहीं पता है इसको। खाना खाते टाइम जैसे चावल खाते हैं ना, उस टाइम पे कुछ करते हैं। क्या करते हैं? कुछ पानी से कुछ बताया नहीं, ऐसे हाथ में पानी डाल के ऐसा ऐसा करना, घुमा के डालना होता है इधर। नहीं बताया क्या क्या बोलते हैं उसको? आसमान जैसा कुछ बोलते हैं। मंत्र तो आते हैं मेरे को। क्या मंत्र आते हैं पता? पढ़ के सुना। ओम मित्राय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम जुजुर देवाय नमः। जुजुर हो गया। ये कब बोलना होता है? पास का जैसे मेरे के पहले। अच्छा, ऐसा बोलते हैं क्या? और कान में तेरे सोने की बाली भी तो पहनी हो है, सोने की शादी की। दिखा कान, दिखा अपने छेदे क्या? कान भी छेदे इसके, लेकिन क्यों निकाले फिर तूने? ये तो बंद हो जाएंगे। पता नहीं। हम्म, पता नहीं क्यों, तुझे नहीं पता? नहीं। अच्छा, ओ भाई एक तो दे भाई, क्या क्या खाया जा रहा है? नहीं खा तूने कान में? नहीं चाबी, मैं नहीं खा रहा। अब तेरे नाना जी का रिटायरमेंट होने वाला है ना? नाना जी का बाहर है 31 जनवरी को, तब बोलना नाना जी मेरे कान के निकाल दिए पापा ने, मेरे लिए सोने के बाली बनाओ, बोलना ठीक है? बोलेगा, बोल सकता है तू? हाँ तो बोल, नाना जी बनाते हैं। नाना जी जब आप रिटायर हो गए मेरे सोने की बाली बनाओ। नाना जी ऐसा कूटेंगे ना वहीं से। बनाएंगे नाना जी, ऐसा कुछ भड़का रहे इधर को नाना जी। हाँ बना देंगे। ये है तो सही, आज तेरे दादाजी ने दिया है, तभी फोन कर रहा था अभी है, तूने तभी फोन किया ना कि हम पहुंच गए, मस्का मार रहा होगा तू। मुझे आजकल तो देते रहते हैं तेरे दादाजी तेरे को ना, मनीष को ज्यादा देते हैं या तेरे को? पता नहीं, तेरे को ही देते हैं। हमारे लिए चिकन पिज्जा लाने वाला है उसका है? चिकन पिज्जा माघ के महीने में। कोई नहीं, बाद में खिला देंगे। वेज पिज्जा ठीक है, जल्दी मंगाएंगे फिर, ठीक है।